जब वापस उत्तराखंड अपने गांव सतोली नैनीताल जब जाएं तो कहे कि दिल्ली में जब मैं गई और वहां पे मैंने ऐसी कल्याणियों के बीच में गौरवान्वित पल मैंने महसूस अनुभव किया कि वहां के लोग तो बड़ा प्रेम देते। जोरदार तालियां, आपकी तालियां ही प्रेम है इनके लिए। लक्ष्मी नेथानी जी का हम उत्साहवर्धन करेंगे तालियों में गड़गड़ाहट। यही तो एक पृष्ठपोषण है ना। Yes.
सम्मान तो बहुत छोटी सी चीज है आपके सम्मान। ऐसा लगता है कि आसमान से स्वयं ईश्वर का एक रूप हमारे मध्य आ चुका है। उन्हें जोरदार तालियां माता जी। मैं श्रीमती देवकी बन्ना जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं मातृशक्ति को मैं चरण संपर्श प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इतना कीमती समय निकाल कर आप लोग आए हैं उसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। और मेरे बीच बहुत लोग आए हुए हैं, नाम लेता रहूँगा तो पता नहीं किसी का छूट भी जाएगा तो उसमें थोड़ा सा संकोच होगा। मेरी बड़ी बहन कुसुम अश्वाल जी पहुँची हुई हैं यहाँ पे, और मेरे बड़े भाई के तौर पर, एक पिता तुल्य के तौर पर कह सकता हूँ, उत्तराखंड के भूतपूर्व राज्य मंत्री सचिदानंद शर्मा जी भी पहुंचे हुए हैं, उनका भी अभिनंदन। और मेरी बड़ी बहन गुड़गांव से कुसुम नहीं बुढ़ा बोड़ी जी पहुंची हुई हैं, गुड़गांव से स्पेशली आई हुई हैं, मेरे ख्याल से फेसबुक पर लगी हुई हैं, बिजी हैं। और हमारे बीच मेरे मित्र हल्द्वानी से आई हुई है। Thank you.
देखे पड़ी छे सुमने मिनी गदन घोरे देखे पड़ी छे सुमने मिनी गदन घोरे पूछे मेरी दिल के जाने चंदसी चकोरे दाखनो गड़बड़ी हुई चा गड़बड़ी हुई चा सुमन तू न बेना राजे डाकनो मामा गड़बड़ी हुई चा सुमन तू न बेना राजे देखो क्यों माँ लगीने खुद गली लगीने पराजे सुमन तू न बेना राजे हौसला बढ़ाया पुनः एक बार फिर से जोरदार तालियां क्योंकि जिस जिस कारण से ये कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है वो सितारे हमारे मध्य फिर पुनः आएंगे। अब मैं आमंत्रित करती हूँ कल्याणी संस्था की ओर से श्रीमती कुसुम जोशी जी को। एक ही लक्ष्य एक ही सपना नशा मुक्त हो भारत अपना। एक ही लक्ष्य एक ही सपना नशा मुक्त हो भारत अपना। श्रीमती कुसुम जोशी जी मूल रूप से रुद्रप्रयाग से हैं और वर्तमान में ऋषिकेश में आपका निवास है। नशा मुक्ति के लिए पिछले 10 वर्षों से सक्रिय आंदोलन चला रही है। इस कुरीति के खिलाफ आपने विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और कई बार शराब माफ सम्मान 2021 से आपको सम्मानित किया जा रहा है। अब मैं आग्रह करूंगी श्रीमती माधुरी रावत जी से कि वो मंच में आए और हमारी सभागार जोरदार तालियां अपना मार्च 2021 है और आज महिला दिवस है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 8 मार्च 2021 है और आज यहाँ कल्याणी सामाजिक संस्था द्वारा ये आयोजन किया गया है और अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को यहाँ सम्मानित किया गया है और आपको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई। आप कुछ दो शब्द कहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। सभी बधाई तो मैं उन लोगों को देना चाहती हूँ, बबीता जी को, जो आयोजक हैं, जिन्होंने दिन रात एक करके सब महिलाओं को और इतने भाई लोगों को यहाँ पे एकत्रित किया है। बधाई की असली पात्र वो हैं और मैं चाहती हूँ कि उनकी जैसी बहनें इस प्रकार के आयोजन करें, प्रोत्साहित करते रहें सभी लोगों को और सबको आशीर्वाद मिले आगे बढ़ने का, उड़ने का, हौसलों को उड़ान मिले। मेरी यही कामना है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी यही कहती हूँ कि अद्भुत ताकत है उत्तराखंड की महिलाओं में, अपार क्षमता है और मैं चाहती हूँ कि वो हर क्षेत्र में आगे आएं और संगठित होकर के काम कर रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने कहा कि हर महिलाओं को उड़ने का मौका दिया जाए क्योंकि जब उनको उड़ने का मौका दिया जाएगा तभी वो अपने उड़ान को आगे बढ़ाएंगी और खुद को पंख दे पाएंगी। तो आज महिला दिवस है, महिलाओं का दिन है और सभी महिलाओं को शुभकामनाएं और आगे बढ़ने की उम्मीद। सभी महिला आगे बढ़े। आज गढ़वाल भवन में महिला दिवस का आयोजन हो रहा है। आज महिला दिवस है और हमारे साथ है हेमलता। जैसा कि इस आयोजन में अभी बताया गया कि अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं को सम्मानित किया गया है, तो इसी श्रृंखला में हेमलता जी को भी सम्मानित किया गया है। आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये संस्था है, सामाजिक संस्था, हमारी कल्याणी सामाजिक संस्था,
जो महिला दिवस के दिन 10 ऐसी महिलाओं को सम्मानित करते हैं जो कहीं ना कहीं गांव में रहकर या पिछड़े वर्ग की होकर समाज सेवा के लिए काम कर रही हूँ। तो उनमें मेरा नाम भी था। मैं एक एपनकार हूँ, मतलब एक लोक कलाकार हूँ। बेसिकली मैं कुमाऊँ से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने जो हमारी लोक कला है इसको आउट ऑफ इंडिया और इंडिया के जगह जगह अदर स्टेट में, जैसे मैं उत्तराखंड से हूँ तो दिल्ली और जगह जगह इसका प्रचार प्रसार किया और बहुत सारे लोगों को इसके बारे में बताया। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज। और जब लॉकडाउन था तो मैंने ये सारी चीज़ें ऑनलाइन माध्यम से की और जैसे ही लॉकडाउन हटा मैंने जगह जगह जाके इसके प्रशिक्षण शिविर लगाए और आगे भी भविष्य में भी ऐसे ही इसको लेकर बहुत सारे काम और बहुत सारी महिलाओं को इससे जोड़ने का मेरा लक्ष्य है, जिससे कि एक नारी सशक्तिकरण भी हो सके। तो थैंक यू सो मच, आपने इस लाइक समझा मेरे को। आपको बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसे चलेगा? सबने बोला कि 6 महीने तक तेरे पास कुछ नहीं रहेगा तो हम तुझे उधार पकड़ दे करके खा सकते हैं। लेकिन 10-12 दिन के अंदर जब लोगों ने अखबार में निकाला कि देवी भंडारे का पैसा मिल गया है तो उसका मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। तो क्या बोला था, मैंने कार्रवाई शुरू कर रखी थी क्राइम ब्रांच भुवनेश्वर से, DIG ऑफिस देहरादून से, सभी जगह से शुरू हो रखा था। लेकिन लोगों ने बीच अखबार में निकाला और मेरा सर किया तरह पर पानी, तो मेरे साथ बहुत ज़्यादा टोर सक कर रहे थे लोग। मुझे 3 महीने से मेरे पीछे लगे थे कि हमारे पार्टी में जुड़ जा। मैंने कहा भाई देखो, मैं पार्टी में क्यों जुड़ूँ? मेरे पापा ने आज़ादी में उनकी लड़ाई लड़ी, देश के लिए लड़ी। आज मैंने जो दान किया है अपने देश के लिए किया है। मैं पार्टियों से कोई लोन नहीं रखती, मुझे पार्टियों से कोई लेना देना नहीं है। तो लोग मेरे साथ ऐसा धोखाधड़ी करने लगे, कहीं पर लोग छोटा सीधा बोलने लगे तो मुझे वहाँ अच्छा नहीं लगा। 36 साल पुरानी जगह से मैं आज वहाँ से पुराना पेड़ पकड़ के कोड़ी में आ गई हूँ। अभी मेरा 1 महीना हो रहा है मैं कोड़ी में बस गई। जहाँ भी रहना है किराया तो देना है, वहाँ भी मैं किराए में थी। मुझे खुशी ये थी कि मैं अपने गोदर में हूँ जहाँ का नाम मैंने आज इतना आगे पहुँचाया है। तो लोगों ने मेरे साथ इतना धोखा किया, मुझे वहाँ तक अच्छा नहीं लगा। इस स्थिति में रहकर भी आपने बहुत बहुत बड़ा काम किया, उसके लिए बहुत बधाई। आपको ऐसी स्थिति में आपने इतना बड़ा काम किया, बहुत ही कम लोगों में ये जज्बा होता है, उसके लिए सलाम आपके जज्बे को और बहुत 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 धन्यवाद। जब मैं यहाँ दिल्ली में थी तो मैंने देखा लोगों को दान करते हुए, कई लोग खाना बांट रहे थे, कई लोग पैसे बांट रहे थे, कई लोग राशन के पैकेट ला रहे थे। तो मेरे मन में भी यही आया कि मरने से पहले कुछ नेक काम हो जाए। तो मैं घर गई यहाँ से 18 तारीख को मार्च, उसके बाद 22 को लॉकडाउन हो गया था। फिर भी मेरे मन में यही चलता रहा। 7 अप्रैल को मैंने अपने बच्चे को पूछा, मैंने कहा मैं देश में कुछ करना चाहती हूँ, कोरोना आ ही रहा है। तो उसने बोला ठीक है, जो करना है तो कर लो। तो मैंने 10 लाख रुपया PM केयर फंड में दान किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज 8 मार्च 2021 है और महिला दिवस है और आज हम मौजूद हैं गढ़वाल भवन में, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष में आयोजित कल्याण सम्मान समारोह का आयोजन बहुत ही जबरदस्त और अनूठे अंदाज में किया गया। और इसी महिला दिवस के उपलक्ष में आज मैं आपको खुद की लिखी हुई महिलाओं को प्रेरित करती हुई एक कविता आपको सुनाती हूँ। और कब तक टूटती रहोगी तुम, और कब तक उलझती रहोगी, सुलगती रहोगी और कब तक, अपने सपने इच्छाओं और आकांक्षाओं सहित कब तक भुलाए रखोगी अपना आपा, रोती रहोगी कब तक, कोई और छोर भी तो नहीं आंसुओं के समंदर का, और कब तक और कहां तक तैरती रहोगी उसमें, अपने आप को करो इस तरह तैयार कि कोई भी तुम्हें पिघला न सके, उस लोहे की तरह कठोर कि कोई भी तुम्हें तोड़ न सके, उस चट्टान की तरह अडिग कि कोई भी तुम्हें हिला न सके, सारे गम और सारे तूफान झेलते हुए बढ़ती रहो आगे, अकेली होकर भी अकेली नहीं हो तुम,
तुम्हारे साथ हैं तुम्हारे हाथ और तुम्हारी हिम्मत। लड़ना है, खड़े होना है तुम्हें फिर और बढ़ते जाना है अपनी स्वाधीनता की ओर। शुक्रिया और एक बार फिर आपसे आप सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कनुप्रिया, जूम इंडिया न्यूज़ से, नमस्कार।